आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल है कि एक पतली समरूप छड़ ए बी जिसका द्रव्यमान एम है, ठीक है, और ए त्वरण से दो परस्पर प्रति समांतर बल एफ वन तथा एफ टू जिनके मध्य की दूरी जो है बच्चों वो बी है, ये जो है ये बी में दिया गया है, ठीक है बच्चों, के अधीन स्थानांतरीय गति कर रही है बच्चों, घूर्णन गति नहीं कर रही है, स्थानांतरीय गति कर रही है, तो छड़ की लंबाई क्या होगी, ये हमसे बोला गया है। ध्यान से देखिए बच्चों, सवाल में बड़ी कमाल की चीज दे दी गई है कि क्योंकि ये कैसी बच्चों कर रही है, स्थानांतरीय गति, स्थानांतरीय गति कर रही है ना। अगर ये स्थानांतरीय गति कर रही है इसका मतलब बलाघूर्ण क्या है, बलाघूर्ण जो है वो है हमारे पास में बच्चों शून्य, है ना। अब ध्यान से देखिए बच्चों, मान लेते हैं कि जो अच्छा मानना क्या है, अगर इसका पूरा का पूरा द्रव्यमान m है तो यहाँ पर कहीं पर बच्चों इसका द्रव्यमान केंद्र होगा, है ना, ये द्रव्यमान केंद्र जो है वो इधर की तरफ में a त्वरण से जा रहा है ना, तो यहाँ से ये वाली जो दूरी हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी बच्चा, ये पूरी की पूरी एलबटे दो होती है, ये b दी गई है ना। ध्यान से देखिए बच्चों, ये पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक की द्रव्यमान केंद्र की और इस वाले की दूरी कितनी हो जाएगी बच्चा, ये हो जाएगी मेरे पास में एलबटे दो, है ना, तो ये कितनी हो जाएगी मेरे पास में एल बटे दो माइनस बी, यानी कि एल बटे दो माइनस बी पर ये लग रहा है हमारे पास में। तब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर हम लोग इसके ये जो बलाघूर्ण बराबर जीरो करेंगे तो एफ वन जो लग रहा है वो एल बटे दो पर लग रहा है, यानी कि जो एफ वन है इंटू एल बटे दो, है ना, और ये वाला जो लग रहा है माइनस में जो एफ टू लग रहा है वो कितने पर लग रहा है, वो लग रहा है एल बटा दो माइनस बी पर, एल बटा दो माइनस बी पर, है ना, ये बराबर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, मान रख दीजिए। देखिए ध्यान से दूसरी चीज हमें ये दी गई है, ये तो समीकरण नंबर एक नाम दे दीजिए इसको, है ना। दूसरा ये दिया गया है कि जो हमारे पास में एफ वन माइनस एफ टू है ये, या फिर एफ टू माइनस एफ वन कर लीजिए, ये लीजिए आपके पास में जो ये एफ टू माइनस एफ वन जो है वो बराबर कितना है बच्चों, वो एम ए से जा रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर गति की समीकरणों का प्रयोग करें तो ये इधर की तरफ में जा रहा है, तो नेट बल इसके ऊपर कितना लगेगा, एफ टू माइनस एफ वन, और ये ए त्वरण से इधर की तरफ में जा रही है, तो जो इसका जो नेट जो बल हो जाएगा वो एम ए के बराबर हो जाएगा, समीकरण नंबर दो आ जाएगा। तब ध्यान से देखिए बच्चों, समीकरण एक से, समीकरण एक से हम लोग क्या लिख सकते हैं, समीकरण एक को ध्यान से देखिए बच्चों, ये एफ वन इंटू एल बटे दो ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, है ना, और माइनस का यह आ जाएगा एफ टू एल बटे दो ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, है ना, और प्लस का एफ टू बी ऐसा का ऐसा आ जाएगा बराबर जीरो। अब इन दोनों पदों में से मैं क्या कर लेता हूँ बच्चों, एल बटे दो कॉमन ले लेता हूँ, है ना, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा एफ वन माइनस एफ टू, ठीक है, ये बराबर प्लस के कितना आ जाएगा एफ टू बी के कॉमन बराबर आ जाएगा, बराबर जीरो आ गया, है ना। अब ध्यान से देखिए बच्चों, हमारे पास में यहाँ पर दिया गया है एफ टू माइनस एफ वन बराबर एम ए है ना, तो एफ वन माइनस एफ टू बराबर कितना हो जाएगा माइनस का एम ए, तो ध्यान से देखिए बच्चों यहाँ पर ये एल बटे दो इसको माइनस का एम ए कर दीजिए और प्लस का एफ टू बी कर दीजिए, है ना, तो ध्यान से देखिए बच्चों यहाँ से मेरे पास में कितना आ जाएगा एफ टू बी, ये बराबर जीरो है, ये बराबर का जो आ जाएगा ये आ जाएगा मेरे पास में एम ए एल बटे दो आ जाएगा इधर की तरफ में जाते, तो ध्यान से देखिए बच्चों यहाँ से जो एल का मान आ गया मेरे पास में कितना आ गया टू एफ टू बी बटे एम इन टू ए, यही बच्चों हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, यही लंबाई आ जाएगी। चलिए देखते हैं हमारे उत्तरों में टू एफ टू बी, अच्छा इसके विकल्प नहीं है तो यही बच्चों इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा टू एफ टू बी बटे एम इन टू ए, यही इसका उत्तर है। कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट आईआईटी जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।